लास्ट लेक्चर में मैंने यू एंड वी की शॉर्ट मेथड भी करवा दी थी आपको 40 तक के सम होमवर्क में दिए थे डाउट है तो मुझे बता देना है और कंपलसरी ये सम्स करने हैं 5 मार्क्स में आते हैं अब इसमें ही शॉर्ट सम से 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएंगे वैसे बट पहले तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं चलिए फिर से फॉर्मूला याद दिला रहा हूं एक्स बार एंड वाई बार आर इन इंटीजर तो फॉर्मूला होगी आर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर नाउ व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट इन इंटीजर So formula is R equals to N into sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root N into sigma x square minus sigma x whole square into under root N into sigma y square minus sigma y whole square. Right? ये formula है याद है ना ये भी N into sigma x square minus sigma x into sigma y upon under root N into sigma x square minus sigma x whole square into under root n into sigma y square minus sigma y whole square. Then next, shortcut method. तीनों की फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए. अब shortcut method में फॉर्मूला होगी r equals to n into sigma u v minus sigma u into sigma v upon under root n into sigma u square minus sigma u whole square into under root n into sigma v square minus sigma v whole square. Okay, इस तरह से हमें तीनों मेथड हमने कंप्लीट किए इसमें when u equals to x minus a upon cx and v equals to y minus b upon cy. A यानी smallest observation from x, b that is smallest observation from y. cx जिससे सबको डिवाइड होता है वो यानी क्लास लेंथ एंड cy y के सभी ऑब्जर्वेशन को जिससे डिवाइड होता है वो भी क्लास लेंथ ऑफ y ये क्लास लेंथ ऑफ x क्लास लेंथ ऑफ y ये सभी फार्मूलास की हुई है अब इसके शॉर्ट सम्स आएंगे शॉर्ट सम्स में क्या होगा जस्ट लाइक आपको सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर ये सभी वैल्यू दे दी होगी आपको सिर्फ फार्मूला रख के उसमें पुट अप करना और फाइंड करना है एकदम सिंपल है कुछ भी नहीं सभी आपको दिया होगा सिर्फ फाइंड करना वैसे इसमें भी सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सभी वैल्यू दी होगी आपको पुट डाउन करके फाइंड करना इसमें भी सिग्मा यू वी सिग्मा यू सिग्मा वी सभी दिया होगा डायरेक्टली वैल्यू पुट डाउन करके फाइंड करना वैसे शॉर्ट सम से इसमें भी थोड़ा सा एक दो सम ऐसे जिसमें ट्विस्टेड पॉइंट है तो वो भी हम करेंगे बट ये तीनों फॉर्मूला सब शॉर्ट सम्स करेंगे यानी हमारा पैकेट का पेज नंबर 11 सम नंबर 41 पेज नंबर 11 सम नंबर 41 To study the relation between the marks obtained in statistics X and marks in economics Y, यहाँ पे आपको marks in statistics that is X and marks in इकोनॉमिक्स दैट इज वाई ये उन्होंने दिया हुआ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज टेकन 10 स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू 10 कितने स्टूडेंट्स का सैंपल लिया गया 10 देन अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज टेकन एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार इक्वल्स टू 120 sigma x minus x bar whole square equals to 80 and sigma y minus y bar whole square equals to 500 इस तरह से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है
फाइंड आर, आर फाइंड करना है। देखिए इस तरह से सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओके, मार्क्स इन स्टैट एक्स, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स वाई, उसके लिए अज्यूम किया 10 स्टूडेंट्स का सर्वे लिया गया है, n इक्वल्स टू 10, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार 1 पे ली, सिग्मा x माइनस x बार रो स्क्वायर dx, सिग्मा y माइनस y बार रो स्क्वायर 500। इसको देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये वो फर्स्ट फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला भी r इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर। इतने से ही हमें पता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट डाउन करेंगे, यानी r इक्वल टू फार्मूला ये देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि फार्मूला कौन सी होगी। सिंपल देख के पता चलता है, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार दिया हुआ है, सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर दिया हुआ है। बस सभी वैल्यू इसमें पुट डाउन करनी है, सिग्मा x माइनस x बार * y माइनस y बार अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर * अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू हमारे पास है 120 रूट एटी इंटू रूट 520 एज इट इज। चलिए अब 80 का रूट निकालते हैं, सो कैसे में कैलकुलेशन करेंगे, रूट ऑफ 80 दैट इज 8.9443। अब इसका 500 का रूट, रूट ऑफ 500 दैट इज 22.3607। चलिए 120 एज इट इज। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 8.9443 मल्टीप्लाई बाय 22.3607 200.00 यानी 200। Now 120 divided by 200 वही फिर से परफेक्शन से कर लेते हैं, 8.9443 into 22.3607 okay confirm। So 120 divided by 200 that is 0.6 right, यानी 0.6 भी लिख सकते हैं, ओके, आया समझ में, यानी आपको अभी सामने सभी वैल्यूज दी होगी, आपको सिर्फ वो प्रोवाइड कर इसमें वैल्यू पुट डाउन करके फाइंड करें, ओके। चलिए उसी में देखते हैं सम नंबर 42। To study the relation between the sales and profit of a company, following information is obtained from the last 6 years. उन्होंने ही बताया है, X that means annual sales. That is in lakh rupees. Y that is annual profit. So n equals to 6, sigma x equals to 58, sigma y equals to 40, sigma xy 431, sigma x square 606 and sigma y square 316। Find correlation coefficient between x and y, r find करना है। देखिए भाई इस तरह से सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओके। चलिए भैया वर्किंग इस तरह से आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें x bar and y bar are not in are in indeed not in integer वाली फॉर्मूला है, दैट मींस xy वाली फॉर्मूला है, यानी ये फॉर्मूला r equals to n into sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root n into sigma x square minus sigma x whole square into under root n into sigma y square minus sigma y whole square।
n की वैल्यू 6, सिग्मा एक्स वाई दैट इज 431, देखिए ये दिया हुआ है 431 माइनस सिग्मा एक्स 58, सिग्मा वाई 40 अपॉन अंडर रूट n 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर 606 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर दैट इज 58 स्क्वायर इनटू अंडर रूट n दैट इज 6, सिग्मा वाई स्क्वायर 316 माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर दैट इज 40 होल स्क्वायर. चलिए 431 into 6 2586 माइनस 58 into 40 दैट इज 2320. Now 606 into 6 3636 minus 58 square 58 into 58 3364 then 316 into 6 1896 minus 40 square 1600 चलिए less करेंगे इसको 2586 minus 2320 266. Now under root 3636 minus 3364 272. Then 1896 minus 1600 296. चलिए आगे का कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं 266 अपॉन चलिए 272 उसका रूट निकालना है रूट ऑफ 272 दैट इज 16.4924 राइट अब रूट ऑफ 296 that is 17.2047 266 चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16.4924 into 17.2047 so that is 283.75 चलिए 266 डिवाइड बाय 283.75 0.9374 यानी 0.94 क्लियर ये हो गया. अब दूसरी बात मेरी ऑलवेज ध्यान में रखना जो बता रहा हूं वो आर की वैल्यू होगी ये पता चल गया ना इसका होमवर्क भी दे देता हूं फिर एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ होमवर्क में 43, 44, 45, 46 ये फोर सम आपको होमवर्क में करने हैं ओके और एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना है वो देख लीजिए भाई 43, 44, 45, 46 कितने होमवर्क में करने हैं. अब हमारा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस करना था लेकिन अभी कर देना. देखिए वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 वैल्यू ऑफ आर यानी ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 के बीच में ही आएगी याद रखना. देख लीजिए सबके आंसर 0.96 ऐसा ही आएगा 96 9460 वो सभी दैट मींस इन दोनों के बीच में ही आएगा. -1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है और लाइज बिटवीन -1 to 1 यानी आप जब भी सम करो अगर आपका आंसर -1 से कुछ ऐसा आ रहा है दैट मींस -1.02 या -2.14 तो ये सब रॉन्ग है ऐसा समझना यानी कहीं पे आपने मिस्टेक की है. आंसर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर का आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 राइट उसकी प्रॉपर्टीज कर लूंगा तब आएगा उसमें बट अभी इतना तो याद रख लीजिए वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 ओके आ गया समझ में. अब नेक्स्ट 47 से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो भी सभी इंपॉर्टेंट सा ओके थैंक यू वेरी मच.